अब ये वाला गेम प्ले ना भाई पता है क्यों अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आप लोग को फुल टू फुल समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर आप लोग को सर्वाइव कैसे करना है, मतलब पूरे यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा गेम प्ले देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पर सीन क्या होता है ना कि मैं बग्गी लेकर निकलता हूँ रिकॉल पे, यहाँ पर पहले मैं रिकॉल लेता हूँ। सबसे मेन चीज़ तुमको यही करना है, इवेंट जितना हो सकता है ना इग्नोर कर दो एंड कार बग्गी लेके यहाँ पर इवेंट से रिकॉल निकालो। रिकॉल निकालने के बाद मेरे को सामने घर दिखता है, घर में मैं लूट बूट करता हूँ। अब यहाँ मैं थोड़ा बहुत लूट हो जाता है, मैं लूट लेने के बाद बग्गी लेके सीधे निकलता हूँ बंदों मारने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर किल चाहिए था, क्योंकि अभी मेरे पे यहाँ पर रिकॉल था। ये भाई आप लोग भी यहाँ पर ट्राई करना, बग्गी लेके रिकॉल लो और रिकॉल लेने के बाद यहाँ पर बंदे ढूंढो, बंदों को मारो, जितना हो सकता है किल निकालो। अब मेरे को यहाँ पर सामने एक बंदा स्पॉट होता है, अब इस बंदे को तो मैं यहाँ पर ईजी कुचल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर सब बंदे कहते हैं कि भाई यहाँ पर मैं एक या दो किल कर पाता हूँ, मैं रिकॉल तो ले लेता हूँ पर एक या दो या तीन ही किल कर पाता हूँ, उसके बाद सर्वाइव कैसे करना है, तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पर बता दो। तो देखो भाई मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ वो आप लोगों को बताने वाला हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुरंत बंदे को मारता हूँ, बंदे को मारने के बाद यहाँ पर बूस्ट करता हूँ और बूस्ट करने के बाद मेरे को सामने दिखता है बॉट, और यहाँ पर मैं बॉट को कुचलने के बाद सीधे निकलूंगा ना अपार्टमेंट के साइड पे, क्योंकि मुझे वहाँ पर बंदा स्पॉट हुआ था जब मैं फायरिंग कर रहा था। तो मैं सोचता था कंफर्म करने के लिए आगे निकलते हो बंदे को देखते कि भाई बंदा है भी है कि नहीं है, पर बंदे तुम यहाँ पर देखना भाई, तुम बस देखना भी। अपार्टमेंट निकला, इधर भी कोई फुट नहीं, इधर भी कोई फुट नहीं, और मेन अपार्टमेंट्स में कोई फुट नहीं। अब हल्का फुल्का बाद में मेरे को बंदा फुट देता है, तो मैं पीछे के साइड निकलता हूँ। मैं यहाँ पर तुरंत कवर में आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को यहाँ पर फोकट का यहाँ पर डैमेज पड़ जाए, तो इसलिए मैं सीधे निकलता हूँ अब यहाँ पर बंदे पे पुश करने के लिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्लियर फुल सुनता हूँ कि बंदा है कहाँ पे। अब भाई यहाँ पर तुम देख सकते हो बंदे ने कितना ही प्यारा मारा था, मतलब यहाँ पर अच्छा बंदे ने मारा भाई। अब यहाँ पर मरने के बाद तो मेरे किल देख लो कितने किल हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे दो किल हैं। अब दो किल के साथ यहाँ पर सर्वाइव करने वाला हूँ और लास्ट में चिकन निकालने वाला हूँ, और एक और चीज़ बताऊँ प्लस भी तुम यहाँ पर देखना कितना मस्त मिलने वाला। अब सर्वाइव करने के लिए मैं सीधे अपार्टमेंट उतरता हूँ, अपार्टमेंट ले यस वाले अपार्टमेंट पर, यहाँ मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर होल्ड करता हूँ, मतलब जितना हीलिंग का सामान होता है वो सब ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर होल्ड करता हूँ काफ़ी देर। यहाँ पर होल्ड करने का मेरे को यहाँ पर एक साउंड आता है, मुझे लगा एक पल को कि बंदा मेरे पर पुश कर रहा है, पर यहाँ पर बॉट होता है। बॉट को मारने के बाद यहाँ पर मैं M7 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे हो सकता है कि इमरजेंसी में अगर कोई बंदा मेरे पर पुश करे तो स्प्रे के लिए गन भी होनी चाहिए ना भाई, यूजी से क्या स्प्रे मारूंगा बंदे पे। तो यहाँ पर मेरे पे स्केटबोर्ड लेके मैं निकलता हूँ कहाँ पर पता है, इवेंट पे, क्योंकि इवेंट पे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वहाँ पर दिखाता है कि अभी बंदे कितने अलाइव है, मतलब उसमें बंदे है भी हैं कि नहीं है। मेरे को सामने बग्गी स्पॉट होती है, बग्गी लेके सीधे निकलता हूँ इवेंट पे। और इवेंट पे तुमको एक और चीज़ बता दूँ कि सबसे गंदा ग्लिच होता है, अगर तुम इवेंट पे चेक करोगे राइट पे तो मैप में देखना, जहाँ पर 0 से 1 हुआ है, मतलब मैं 0 से 1 हुआ है, तो समझ जाना कि यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कि ग्लिच क्या होता है ना कभी कभार, जैसे 0 से 1 नहीं होता है, तुम कभी इधर आओगे ना तुमको एक ही दिखाएगा, अंदर घुस जाओगे तुमको एक ही दिखाएगा, ऑलरेडी उसमें 2-3 बंदे होंगे पर आप लोगों को वहाँ पर एक ही बंदा दिखाएगा, तो ये बहुत गंदा ग्लिच होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी अगर इवेंट पे आते हो लूट निकले तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करना कि बंदा है या नहीं है, और यहाँ पर 0 से 1 हो रहा है ना तो ही भाई यहाँ पर लूटना, वरना यहाँ से निकल जाना। अब यहाँ पर मेरे को इमरजेंसी बैकपैक मिलता है, यहाँ पर लूट वूट करने के बाद इमरजेंसी बैकपैक से सीधे निकलता हूँ मैं सर्कल में। अब यहाँ पर सर्कल में उतरने के बाद सीधे मैं इस वाले घर में उतरता हूँ, तब यहाँ पर पेड़ से टकराने के बाद यहाँ पर मेरी HP देख लो, अगर इस घर में बंदा होता तो यहाँ मेरी 101% पेटी थी। तो यहाँ पर मैंने वेट करा सर्कल का कि सर्कल बंद कर रहा है, तो मैं देखता हूँ कि इस वाले घर पे मतलब सर्कल है, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि बंदा है या नहीं है। अब यहाँ पर कोई नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर काफी देर तक यहीं पे होल्ड करता हूँ, और यहाँ पर फिर से वेट करने लगता हूँ कि भाई सर्कल बंद कर रहा है।
और जैसे यहाँ पे सर्कल दूर जाता है ना, बस यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, पर यहाँ पर तुम देखो मैं कैसे सर्वाइव करने वाला हूँ। थोड़ा वेट करा, वेट करने के बाद मुझे पता था मैं सर्कल में निकलूँगा, हो सकता है कि सर्कल में निकलूँ तो कोई बंदा मेरे को यहाँ पर डैमेज दे, तो इसलिए मैं बूस्ट कर लेता हूँ और बूस्ट करने के बाद स्केट बोर्ड लेके आगे निकलता हूँ। अब स्केट बोर्ड देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर निकल रहा होता है, तभी तुम देखना यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इस बंदे को स्प्रे दूँ और चूक कर दूँ, तो मैं अच्छे से मौका देखता हूँ और लेट के इस बंदे को स्प्रे दूंगा। यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद मैं स्केट बोर्ड लेके जैसे यहाँ पर निकल रहा था, तभी एक कार आती है जो कि सैक में होल्ड करने के लिए निकल रही थी। यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद मैं तुरंत पावर को यूज करता हूँ, पावर यूज करके सर्कल में निकलता हूँ। तभी यहाँ पर पानी की तरफ एक बंदा था जो कि यहाँ पर मेरे को डैमेज देने का था, मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, तो मैं यहाँ पर कवर लेता हूँ और कवर लेने के बाद ना यहाँ पर अपने पीछे के साइड में स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि पीछे से मेरे को यहाँ पर बंदा भरते। मैंने वेट करा और वेट करने के बाद पावर फिर से यूज़ करता हूँ, सीधे निकलता हूँ साइक पर। अब साइक पर क्या प्रॉब्लम थी कि भाई यहाँ पर वो सर्कल होता ही नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ पर सर्कल होता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ मेरे को यहाँ पर सर्कल में निकलना पड़ेगा और जो राइट वाला बंदा दिक्कत ना करे, इसलिए मैं पावर को फिर से यूज़ करता हूँ और यहाँ पर सर्कल में निकलता हूँ। अब तुम मेरी यहाँ पर देख लो उस बंदे ने कितनी गंदी मेरी यहाँ पर एचपी डाउन कर दी थी। मैं यहाँ पर थोड़ा हेल्थ मारता हूँ, अब तुम समझ लो हेल्थ मारता हूँ, चाहता यहीं पर होल्ड कर सकता था, पर पता है मैं पीछे की निकला, मेरे को कन्फर्म था कि बंदा नेड करेगा। तब यहाँ पर नेड भी आता है, मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक थोड़ा ना थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक नहीं होता क्योंकि ओपन फंस चुका था। और पैनिक में देखो बंदे बचे भी कितने, चार बंदे, एक राइट में, तीन बंदे का लोकेशन मेरे को पता नहीं है। तो स्मोक करता हूँ, फिर वेट करता हूँ और वेट करने के बाद सीधे निकलता हूँ मैं यहाँ पर क्रेट पे, कि मुझे यहाँ पर क्रेट लूटनी थी क्योंकि उस बंदे से मुझे गिल्ली सूट चाहिए था, क्योंकि देखो ओपन में सर्कल है और गिल्ली सूट हो सकता है कि लास्ट में मेरे काम काफ़ी अच्छा आ जाए, और आने भी वाला है वो भी। देखो बग्गी लेके निकला और बग्गी को मैं काफ़ी देर तक घुमाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो सर्कल बने ना तो बन जाए, उसके बाद मैं होल्ड करूँ। काफ़ी देर में बग्गी घुमाई और जैसे यहाँ पर सर्कल बनता है मेरे को सामने बंदा स्पॉट होता है, तो मैं सोचता हूँ चलो बंदे को यहाँ पर कुछ लूँ, पर यहाँ पर लौंडा पहले से अलर्ट हो चुका था। अब मैं आगे निकलता हूँ तो मेरे को सामने एक और बंदा स्पॉट होता है, अब यहाँ पर पावर यूज करने के बाद ना मैं इस बंदे को तुरंत मारता हूँ। मारने के बाद यहाँ पर बैंडेज लेता हूँ, मेरे को डर था कि यहाँ पर कोई बंदा तो ना हो, तो यहाँ पर एक रैंडम फायरिंग करने के बाद यहाँ पर किले हो चुका था कि वहाँ पर कोई बंदा नहीं है, मेरे को एक पल को लगा था। और यहाँ से मैं एक ही चीज़ का वेट कर रहा था, जल्दी से मेरी यहाँ पर पावर को मैं फिर से यहाँ पर यूज़ कर सकूँ और अपनी बग्गी के साइड पर निकलूँ। यहाँ पर मैं होल्ड करा, यहाँ पर तुरंत बैंडेज वैंडेज लेता हूँ, स्मोक कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि बंदा मेरे को स्पॉट ना कर ले। अब जैसे मैं यहाँ पर गिल्ली सूट लेके सिरक सरक के निकल रहा था और अपना एम ना बग्गी के ऊपर रखा था, मुझे लगा वहाँ पर बंदा होगा, बंदा निकलेगा शायद सर्कल में, तभी ना मेरे को यहाँ पर लेफ्ट में साउंड आता है कि कोई बंदा भाई सर्कल है मेरे लेफ्ट में ही। यहाँ पर तुरंत इस बंदे को मारता हूँ, तभी सामने दो बंदों की फाइट होती है और वहाँ पर एक बंदा मर जाता है। अब लास्ट वाले बंदे को जो मारने वाला हूँ ना वो देखो भाई तुम लोग, खत्म। आप लोग को यहाँ पर वीडियो कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का, चलता हूँ मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। और तुम एक बार प्लस देखो, 8 किल के साथ प्लस बहुत अच्छा मिला था मेरे को।